ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी लेके मैं आ गई हूँ। और आजकल तो वेजिटेबल्स के प्राइस ना आसमानी छू रहे हैं। टमाटर फिर से 250 केजी हो गए हैं, और 280 रुपए किलो हैं। मैं तो सुन के परेशान हो गई। पहले पिछली बार जब मैं आपको बोला तब 80 रुपए किलो आ गए थे, अब बारिश हुई ना दोबारा। फ्रेंड्स कैसे आप सभी, तो मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए अपना आज का व्लॉग लेके। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट, भी जा रहे हैं साथ में, मम्मी जी ने भी लेना है सामान। तो मैंने मम्मी जी को बोला कि मैं भी साथ में चल पड़ती हूँ, मुझे भी लेना है कुछ सामान, तो मैं भी तैयार होगी साथ जाने के लिए। मम्मी जी पीछे आ रहे हैं स्कूटी पे सजिन के साथ, मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं पैदल। तो बने रहे मेरे इस ब्लॉग में एंड तक। ठीक लग गई मुझे ये वाली, ठीक लग गई। सब्जी लेके आई हूँ मैं, और सब्जी के प्राइस ना आसमान ही छू रहे हैं। ये जो तोरी थी ना, इसका था प्राइस 70 रुपये किलो, ठीक है, चलो ये तो ठीक थी। लेकिन टमाटर ना दोबारा से फिर से महंगे हो गए हैं, 250 केजी के हो गए हैं फिर से। और मैं फिर आधा किलो ही लेके आई। इन टमाटरों के प्राइस में ना बहुत परेशान किया हुआ है, जैसे जैसे बारिश फिर से हो रही है ना, रास्ते बंद हो रहे हैं और टमाटरों का प्राइस बढ़ जा रहा है। क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाती है ना जब भी किसी चीज़ की, तो उसके प्राइस जो वो हाई हो जाते हैं, ताकि सभी ले सकें, वरना टमाटरों की तो कमी हो जाएगी अगर हम ये प्राइस कम कर देंगे तो। तो क्या क्या लेके आई मैं, मटर लेके आई, तोरी लेके आई, टमाटर लेके आई, और आज मैं बनाऊंगी दाल। तोरी और मटर डाल के बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है गाइस। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊँ, स्पीकर कर वापस फ़ोन। मैं आपको फ्रेंड्स आपको मैं एक बात बताऊँ, मम्मी ना एक शॉप पर कपड़े लेने गए थे, और वहाँ पर ना अपना फ़ोन ही भूल गए, और मम्मी जी को पता नहीं कि मैंने चुपके से उठा लिया है। मैंने को बेवकूफ बनाऊंगी। कॉल आ रही है। हेलो, ताई का फोन कुछ है हड़वाल नहीं है हम हाँ। जुगे बता हाँ, तो मैं उन व्याली तक कहाँ आई ना पूजी ही है, बल्कि गेटे वाला तो आप बोल ले को तो फोन आहो ले लिया। हाँ मैं ताली चुकी लिया, तो बैग गिज पाया मैं तो फ्रेंड मैं ना ले लिया है। आप जब चले गए थे ना बाहर, मैंने फोन उठा लिया था तभी। हाँ तो फ्रेंड्स परेशान करने का ना मजा आता है। मम्मी परेशान हो गए होंगे, इनको ना भूल ही गया था कि हमारा फोन भी पड़ा हुआ है, और काउंटर पे वहीं पर रख के आ गए थे, मैंने चुपके से उठा लिया था फोन। फ्रेंड्स मैं घर आ चुकी हूँ सब्जी वगैरह लेके, तो अब मैं बना रही हूँ चाय, ये भी आ चुके हैं। फिर चाय पीने के बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो खाने में आज मैं क्या बनाऊंगी वो देखने के लिए मेरी वीडियो में बने रहना, और किस तरह बनाऊंगी वो भी देखते रहना। तो फ्रेंड्स अब हमारा हो गया चाय टाइम, और ये आज मुझे थोड़े ना थके थके से लग रहे हैं, ज़्यादा टायर्ड लग रहे हैं थोड़ा बड़े ज़्यादा ना। चाय पी के ठीक हो जाऊंगा। साथ में मैंने बनाई है सेवियाँ, खा लो। तो फ्रेंड्स हम चाय पी लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद। ओके, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल। मुझे लगता है कभी कभी अलग तरीके से भी बनानी चाहिए, एक ही तरीके से बना के ना मुंह का टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो मैंने थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए इसमें मैं ऐड करूंगी मटर, एंड ये जो तोरी होती है ना ये डालूंगी मैं इसके लिए साथ में। तो मैंने कुकर चला दिया गैस पे, मैं फटाफट से प्याज कट कर लेती हूँ। टमाटर खाना बनाने के लिए ना आप
आपके दिल में ना दिल से तमन्ना होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप में ना खाना बनाने का इंटरेस्ट होगा ना तो आप न्यू और यूनिक आइडिया ढूंढ के ना खाने को अच्छा भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक ही तरीके से खाना बनाते रहेंगे ना तो घर वाले भी बोर रहते हैं। अगर आप यूनिक तरीके से खाना बनाते रहोगे तो आपके घर वाले भी खुश रहते हैं आपसे। इसलिए खाना ना कभी भी बनाओ तो दिल से बनाओ, बोझ समझ के मत बनाओ कि बस भी खाना है, सिर का भार उतारो और बना दो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है कि इंसान क्यों कमा रहा है, सिर्फ खाना खाने के लिए ना, अच्छा खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए। अगर आप अच्छा खाना ही नहीं खा पा रहे शाम को ना तो उस कमाने का ना कोई फायदा नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। तो खाने के मामले में कभी भी कंजूसी मत करो, ठीक है। खाने के मामले में कभी कंजूसी मत करो और खाना जब भी बनाओ ना, जो भी बनाओ, चाहे वो लड़का बनाए चाहे वो लड़की बनाए, तो दिल से बनाओ। जब भी आप दिल से खाना बनाते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली खाना अच्छा भी बनता है। जब तो टमाटर हो चुके हैं तो अब मैं डालूंगी मटर एंड तोरी। मैंने वॉश कर लिया है इनको पहले ही। अब मैं डाल दूंगी मसूर की दाल भी इसमें। पानी एकदम से नहीं डालूंगी मैं मसूर की दाल डालने के बाद भी, थोड़ी देर में इसको ऐसे ही पकने दूंगी, फिर जाके मैं पानी डालूंगी। चावल भी डाल दिए हैं, चावल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसके बीच में पानी भी डाल दिया है। इसमें मैंने डाला है तकरीबन 2 ग्लास पानी, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसे सिर्फ मैं एक ही विसल लगवाऊंगी इस दाल को और ये पक्के हो जाएगा रेडी। एक या दो लगा लेना, जब भी आपने सब्जी डाली है तोरी की और मटर की तो दो भी लगा लेना, ठीक है। तो अब मैं करूंगी कुकर बंद, तो मैं मिलती हूँ जब इस मतलब कि जब ये मेरी दाल एंड चावल बन जाएंगे ना, फिर जब हम साथ में डिनर करेंगे मैं तब मिलूंगी आपके साथ। तो फ्रेंड्स मैंने राइस एंड दाल और सैलड तो दे दिया, मैं खाके ले जाऊंगी। डैडी तुम स्पून लेना। मैं भी लेना स्पून, सोना नहीं है सिर्फ। हम तो भी हाथ से खाने वाले हैं, मुझे तो टेस्टी हाथ से ही लगता है। थोड़ा सा डालना जा रहा हूँ बस डाल। हे भगवान, टमाटर फिर से 250 केजी हो गए, 280 रुपए किलो हैं। मैं तो सुन के परेशान हो गई। पहले पिछली बार जो मैं आपको बोला तब 80 रुपए किलो आ गए थे। अब बारिश हुई ना दोबारा तो फिर से रास्ते बंद हो गए, पीछे सप्लाई नहीं आती। एक्चुअली फसल भी खराब हो गई है ना, जो क्लोड बस्टिंग वगैरह हुई ना ऊपर ओल्ड हिमाचल में, वहीं पे तो ज्यादा टमाटर होता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ज्यादातर फसल इसकी खराब चली गई है। इस वजह से वो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसी वजह से प्राइस ज्यादा है इसका। प्राइस ज्यादा है, अगर प्राइस ज्यादा नहीं करेंगे तो टमाटर कम पड़ जाएंगे, फिर हर किसी को देना तो पॉसिबल है नहीं। वही तो बात है, पता नहीं आपको कैसे लग रही है, खा के देखो। बड़े टाइम के बाद बनाइए सारे तेरा ना को बस। टमाटर से अच्छा है इंसान 1 किलो पनीर ना ले ले। ये भी सीख है। अब तो डेली पनीर खाना पड़ेगा। पनीर सस्ता मिल रहा है। 300 रुपए तक तो। हाँ। 360। पनीर 360 और टमाटर 280। 280 हो गए। 80 रुपए का फर्क कैसे? नहीं नहीं टमाटर भी हो गए 280। मैं बोल रही थी कि आज मैंने 250 के, कल हो जाएंगे और फिर 300 के भी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने कई जगह तो 400 केजी के भी मिले हैं टमाटर। पानी लाना भूल गई मैं। आया कोई? कैसे बने? बढ़िया, सुपर। पर मुझे लग रहा है मिर्ची होगी ना, मुझे मिर्ची ऐसी लग रही, पापा जी फिर भी अलग खा रहे हैं। वैसे ना ग्रीन चिली अच्छी होती है सेहत के लिए, खाना खा लेते हैं हम सभी। तो मैं मिलती हूँ आपसे। किचन का सारा काम भी खत्म हो चुका है, तो अब मैं करती हूँ सभी को बाय, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा स्टडी भी कर लेती हूँ।
तो सभी को बाय बाय एंड मिलते हैं कल एक और न्यू वीडियो के साथ। तो हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और हाँ, जाने से पहले कमेंट करना भी ना भूले और लाइक करना भी ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।